इंदौर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली का काम सख्ती से शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि 31 मार्च के पहले सख्ती से सारा राजस्व वसूल लिया जाएगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक राजस्व वसूली में गत साल की तुलना में अभी निगम आगे चल रहा है और मार्च के अंत तक लक्ष्य के करीब भी निगम का राजस्व पहुंच जाएगा। इसके लिए निगम अधिकारियों ने पहले तो बड़े बकायेदारों पर सख्ती की थी, लेकिन अब निगम के अधिकारियों ने छोटे बकायेदारों की तरफ अपना रुख कर लिया है। नगर निगम के द्वारा राजस्व वसूली में सख्ती के कारण निगम के अधिकारियों का विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि अब निगम पहले से काफी मजबूत हुआ है और सख्ती करने के लिए निगम के पास खुद का अमला तैयार है। जोन क्रमांक 3 पर अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह साहब और कमिश्नर साहब द्वारा दिए गए आदेशानुसार हमारे यहाँ 208 लोगों की लिस्ट 1 लाख से ऊपर की पाई गई है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ द्वारा निरंतर 10 से 15 लोगों के यहाँ रोज कार्रवाई की जा रही है। इसमें मौके पर 1 लाख से ऊपर बकायादारों के ऊपर हम नोटिस लगाने के पश्चात इसमें जब्ती कुर्की और कई जगह नीलामी की कार्रवाई तक हम लोग पहुँच चुके हैं। इनमें मौके पर डबल खाते, बहुत सारे लोग वसूली भी दे देते हैं, बहुत सारे लोक अदालत का भी बोलते हैं कि लोक अदालत, तो हमारे द्वारा जो है लोक अदालत पर रोज बकायादारों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें MG रोड, तिलक पथ, जेल रोड, इन लोगों के ऊपर हमारे द्वारा कार्रवाई करने के पश्चात लोग पैड पेमेंट जमा भी कर रहे हैं और बहुत से लोगों के वहाँ ताले भी लगाए जा रहे हैं। नगर निगम के जोन 3 से इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 1 लाख तक के बकायेदारों की 3 संपत्तियों पर ताले डाले हैं। 3 घरों पर निगम ने ताले डालकर संपत्ति कर की वसूली के लिए अपने अभियान की शुरुआत की है।